स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। लाइन्स क्लब रीवा ने इस मौके पर स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी, साथ ही देकान में लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर शंकर नर्सिंग होम में लायंस क्लब के बैनर तले एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टरों की टीम ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य संबंधित कुछ खास टिप्स दी। हमारी टीम ने वहां पर मौजूद डॉक्टरों से खास तौर से बातचीत की। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस मौके पर लोगों को जन जागरूकता फैलाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लायंस क्लब के मेंबर्स। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज के दिन कुछ ऐसी टिप्स दें हमारे दर्शकों को कि जो उनके डेली लाइफ में और एक बेसिक जानकारी उनको मिल सके। तो अभी हम बात करते हैं। मैं डॉक्टर एच के पांडे, अध्यक्ष लायंस क्लब रीवा। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 7 अप्रैल को कोई न कोई थीम दे करके और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और WHO इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। 6 जोन में पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन विभाजित है। इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय हमारे दिल्ली में भी है, और जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनका ये मुख्यालय है। इस वर्ष जो उन्होंने थीम दिया है वो दिया है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। वास्तव में पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, हर व्यक्ति को उपचार देना संभव नहीं शासन स्तर, और जागरूकता इसलिए जरूरी है कि आज के समय में छोटे छोटे और युवा पीढ़ी को भी हृदय रोग की बीमारियाँ हो रही हैं, डायबिटीज हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है। तो इसके लिए ये नितांत आवश्यक है कि हम सभी लोग, चाहे वो बच्चे हों, सयाने हों, बूढ़े हों, युवा हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सबको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। और जब हम जागरूक रहेंगे तभी हम अपने स्वस्थ शरीर को रखेंगे, और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम जो है कामों को कर सकेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा, जागरूकता सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए। तो सर, ऐसा कुछ पॉइंट बताइए जो बेसिक लाइफ स्टाइल में इंसान को जो ध्यान रखना चाहिए। बेसिक लाइफ स्टाइल में ये है कि आप सुबह उठें। आजकल लोग जो है देर रात तक टीवी देखते रहते हैं, दूसरे कामों में लगे रहते हैं, तो सुबह उनकी नींद नहीं खुल पाती। बच्चों को देखिए, सुबह स्कूल जाना रहता है, आँख मलते हुए रोते हुए वो उठते हैं। समय से सोना चाहिए, और सुबह उठ करके थोड़ा सा व्यायाम करना चाहिए। सुबह कम से कम 1 गिलास या बड़े हैं तो 2 गिलास पानी पीना चाहिए, उससे हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन रहते हैं वो निकल जाते हैं। थोड़ा सा व्यायाम करिए। जो ये जंक फूड का सिस्टम चल गया है, तली भुनी चीज़ें, पिज्जा बर्गर, इनको सबको थोड़ा एवॉइड करना चाहिए। इसी की वजह से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। आज के समय में बच्चे जो है जंक फूड ही खाते हैं, टीवी देखते हैं और बैठे रहते हैं, इसीलिए देखिए बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ के डॉक्टर्स खुद ही बताते हैं कि युवा पीढ़ी में जो है हृदय रोग की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, मधुमेह की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो थोड़ा सा व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, खान पान को ध्यान में रखना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो अगर कुछ ये जो सामान्य चीज़ें हैं जिसको कि हमारे आपके पूर्वज सब करते आए हैं, अगर उस तरीके से हम भी करते रहें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम काम भी अच्छा करेंगे। अब घर परिवार का भी काम करेंगे, देश का भी करेंगे, और अपने जॉब में भी रहेंगे। रोज सुबह व्यायाम करें, पानी पिएं, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। चलिए अभी हम बात करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज? परम आदरणीय पांडे सर, डॉक्टर गुप्ता सर एवं उनके पिताजी एवं समस्त सम्मानित लायन सदस्य, आज एक बहुत अच्छी बात है कि आज हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में एक संगोष्ठी आयोजित करके लायंस क्लब की तरफ से इकट्ठे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने, जैसे हम पर्यावरण के बारे में सोचते हैं उसकी संगोष्ठी करते हैं कि हमारा क्लाइमेट
सुरक्षित रहे, हमारी आबो हवा सुरक्षित रहे, उस तरह से हम अपने शरीर के बारे में भी अगर विचार कर रहे हैं और उसके बारे में आगे क्या करना है इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा विषय है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी नियामक बोला जाएगा, कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है, अगर हम स्वस्थ नहीं है तो सारी धन दौलत बेकार है। तो आज की सबसे जरूरी जरूरत है, और जो वर्ल्ड का बर्निंग पॉइंट हो गया हमारे स्वास्थ्य को लेकर, सभी चिंतित है। लाइफ स्टाइल डिजीजेस जो है, जैसे मोटापा है, डायबिटीज है, और भी चीज़ें हैं जो एक्वायर्ड हैं, जो कि अब मतलब हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही है, वो बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल को सुरक्षित कर दें, संतुलित कर दें, समय पर व्यायाम, जैसे सर ने कहा कि अगर हम समय पर व्यायाम करते हैं, समय पर सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सुबह 2-3 गिलास पानी पीते हैं और दिनचर्या को नियमित करते हैं, रात में समय पर सोते हैं, तो हम बहुत सी बीमारियों से, डॉक्टर का बहुत बड़ा खर्चा जो है, हम अपने आप कम कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आगे भी स्वास्थ्य में सबसे जरूरी यह है कि जैसे हम लोग आपस में यहाँ संगोष्ठी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ हम जाके उनको हेल्थ एजुकेशन दी, इस पे हम लोग आगे विचार करेंगे, हमारे लायंस क्लब के मेंबर्स आगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, और जो चीज़ें यहाँ बैठ के हो रही हैं वो हमारे ग्रामीण भोले भाले लोग जो कि नहीं जानते हैं, उनको कोई नहीं बताता है, ना कोई वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छी ढंग से उपलब्ध हो पाती हैं, तो अगर उनको हम बीमारी में जाने से पहले ही बचा लें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वो नहीं जानते जिसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ते हैं, तो अगर हम वहाँ जाके उनको हेल्थ एजुकेशन देते हैं, कैंप तो ठीक है कि हम वहाँ लगाएं दवाई दें, लेकिन उनको बीमारी से बचाने के बारे में बताएं, हेल्थ के बारे में अगर बताएं, तो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस के ऊपर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। हेल्थ एजुकेशन देंगे, कैंप्स लगाएंगे, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। और सर आप बताएं, विश्व स्वास्थ्य दिवस पे क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस में हमें जन जागरूकता फैलाने की हर संभव प्रयास करने के लिए, बच्चों में, युवाओं में, महिलाओं में और वृद्धों में, छोटी छोटी बातें हैं जिनको जान लेना अपने सेहत के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कहा जाता है कि अगर आप हफ्ते में 150 मिनट की एक्सरसाइज प्रतिदिन, आधे घंटे सिर्फ 5 दिन अगर मॉडरेट एक्सरसाइज कहते हैं कि तेज़ी से चलना ही अगर कर लें, तो वो आपके हृदय रोग के बचाव के लिए बहुत ही उपयोगी है। और स्वास्थ्य तो सभी की ज़रूरत है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, क्योंकि जब जब अपन स्वस्थ रहते हैं तो अपना शरीर हमको याद ही नहीं रहता कि शरीर है कि नहीं है, लेकिन जब अस्वस्थ रहता है, कोई भी अंग हमारा अस्वस्थ है, तो हमें बताता रहता कि मैं हूँ। जैसे सिर में दर्द है तो सिर बताएगा कि मैं हूँ, आप मेरा ध्यान रखें, लेकिन जब स्वस्थ रहेगा तो वो नहीं बताएगा, हम भूले रहेंगे, हम दुनिया में और अपने कामों में व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन अगर कोई बीमार अंग है तो हम अपने काम में मन ही नहीं लगा सकते, क्योंकि बीमारी की तरफ ध्यान चला जाएगा। सर, तो इसकी आप लोगों ने क्या प्लानिंग करके रखी है, कैसे इसको अवेयर करेंगे लोगों को? लोगों को बताना जरूरी है, बच्चों को स्कूलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, आप जैसे टीवी चैनल्स के माध्यम से, कि जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइज करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे आप हृदय रोग से बच सकते हैं, मोटापे से बच सकते हैं, डायबिटीज से बच सकते हैं, और आपकी हड्डियां मजबूत। सर, आज के समय में जो सबसे जो घातक चीज है, कहते हैं फोन, लोग रात रात तक फोन में अपने लगे रहते हैं, तो उसके क्या नुकसान है, उसके क्या आप नुकसान बताना चाहेंगे? देखिए, फोन के लिए जो मोबाइल फोन होते हैं वो तो रेडिएशन फैलाते हैं, सभी को पता है, उनको कोशिश करें कि एक सीमित समय तक उपयोग करें, अपने लाभ के लिए उपयोग करें जितना हमें आवश्यक है, और देर रात तक नहीं बात करें। इंटरनेशनल बोल रहा हूँ, इस आज स्वास्थ्य दिवस में हमारे क्लब ने निर्णय लिया है, हमारे वरिष्ठ लाइन साथी श्री एपी गुप्ता साहब ने सुझाव दिया है कि गाँव में जाकर, यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूकता नहीं है, लोगों को शिक्षित किया जाए, उनको स्वास्थ्य के प्रति उनके दिनचर्या के संबंध में जागरूकता फैलाई जाए कि किस कितने तक अपनी दिनचर्या को बनाए कि वो स्वस्थ रहें और बीमारियों से दूर रहें। जैसे डॉक्टर गुप्ता जी साहब ने कहा है, गांव में जाकर सामान्य चीज़ें, पेशाब पर जो जाँच है, जो ब्लड की जांच है, जो सामान्य रूप से हो जाने के लिए, जिससे जो आगे चल के गंभीर बीमारियों से पीछे बचाव होती है, उस पर भी कार्यक्रम किए जाएंगे। अरे हम लोग अगली बार इसकी कार्य योजना तैयार कर लेंगे, करके गाँव में इसको कार्य रूप में पंडित करेंगे। मेरा नाम मंगल गुप्ता है, मैं
लाइन्स क्लब में से मैं सेवा के ही काम करता हूँ। पहले शुरू में आई हॉस्पिटल से काम करते हैं और सुबह 5 बजे उठता हूँ, दिनचर्या ये है 5-4:30 बजे उठता हूँ, उसके बाद रात को 10 बजे ही नजर रखता हूँ। दिन भर लगा रहता हूँ कुछ काम सेवा, एक स्कूल का काम देखता हूँ, एक मानव रंग का काम देखता हूँ, लाइन्स हाई हॉस्पिटल काम देखता हूँ, इसी सेवा में लगे रहते हैं। सबको यही कहेंगे कि अपना स्वास्थ्य ठीक रखें और सेवा करें। लाइन की गुप्ता, मैं चार्टर मेंबर हूँ, लाइन्स क्लब जीवा को 50 साल हो चुके हैं और हमारे क्लब में हमेशा स्वास्थ्य के बारे में कई काम किए जाते हैं और उन लोगों को जागरूकता बराबर की जाती है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इस अवसर पर जो संगोष्ठी का आयोजन हमारे डॉक्टर एसके पांडे अध्यक्ष ने किया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और अभी डॉक्टर केसी गुप्ता और उन्होंने जो भी जानकारी दी है, जरूरी है कि आदमी को स्वस्थ रहने के लिए सुबह उठना चाहिए, पानी का सेवन करना चाहिए उसके साथ, और दिन भर अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए, खेल कूद में बच्चों को भी खेल कूद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। आजकल खेल कूद में बच्चे बहुत कम रुचि लेते हैं, मोबाइल पर ज़्यादा लेते हैं, जिससे कि वो एक जगह बैठे रहते हैं, तो इससे उनको इस बारे में थोड़ा जागरूक करना चाहिए और पर्यावरण में भी शुद्धता होनी चाहिए, जिससे कि सांस लेने में लोगों को जो बीमारियाँ होती हैं वो भी उसके बारे में जानकारी देना चाहिए, और गांव में लोगों को इस बारे में अच्छी तरह से कैंप लगाकर स्कूलों में जाके बच्चों को इस बारे में बताकर शिक्षित करना चाहिए, तभी हम सब अपना पूरा काम कर पाए। वहीं बैजनाथ सोसाइटी ने शिविर लगाकर मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण निशुल्क किया। इसमें मरीजों के बीपी और शारीरिक वजन कराए गए, साथ ही उन्हें बचाव के तौर भी बताए गए। इस शिविर में कई लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। चलते रहिए।